हिंगनगा टैसल में पोहना वडनेर सोनेगा फुकटा सर्कल में कपास का होने वाला नुकसान व उसका सर्वेक्षण करने के लिए राजस्व और कृषि अधिकारियों के साथ विधायक समीर कुनावार ने निरीक्षण दौरा आयोजित किया। इस अवसर पर घोड़मारे उपविभागीय अधिकारी तहसील कृषि विभाग मेशराम कृषि अधिकारी नायब तहसीलदार पठान और संबंधित विभाग के तलाठी उपस्थित थे। हिंगनगाट टहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने वडनेर आजनसरा फुकटा और पोहना में बांध का दौरा किया और कपास का निरीक्षण भी किया जो भारी मात्रा में बोंड अली से पीड़ित है। दौरे के दौरान यह देखा गया कि 70% कपास के बोंड सड़े हुए थे और शेष 30% बोंड इसलिए प्रभावित थे, इसलिए अब कपास पूरी तरह नष्ट हुआ है और किसान चिंता में दिखाई दे रहा है। हर जगह एक ही मांग हो रही है कि सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, साथ ही पंचनामा कर बर्बाद हो चुके किसानों की मदद करनी चाहिए। राजस्व विभाग के साथ साथ कृषि विभाग की एक टीम द्वारा भी सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। कपास की फसल पूरी तरह से नष्ट हुई है। सोयाबीन की प्राकृतिक आपदा के बाद अब कपास की 100% बर्बादी हो चुकी है। सरकार अनुसरण करेंगे और कल उन्होंने जिला कलेक्टर विवेक भीमनवार से भी मोबाइल फोन के माध्यम से चर्चा की। उपरोक्त मामले में आज विधायक समीर कुनावार व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर से मिले, साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। वह प्रभावित इलाकों में पंचनामा कर प्रशासन को तत्काल निर्देश देने की मांग भी की गई है। काल मी हिंगणघाटमध्ये हिंगणघाटमध्ये कृषी विभागाचे SDO आणि तिथले नायब तहसीलदार यांच्यासोबत आम्ही संयुक्तिक पाहणी केली। काल आम्ही फुक्त आदनसरा सोनेगाव त्यानंतर वडनेर आणि पोहना या गावामध्ये आम्ही शेतीची पाहणी केली। प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये गेल्याच्यानंतर पूर्णपणे जे बोंड आहे कपातीची ते पूर्णपणे सडलेले आहे। त्यामध्ये 60% बोंड सड आहे आणि 40% ही त्यात बोंडळी आलेली आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पूर्णच्या पूर्ण बोंड उद्ध्वस्त झालेले आहे। कपास 100% पूर्ण हाकून गेलेला आहे। काल आम्ही संयुक्तिक तपासणीमध्ये आम्हाला हे लक्षात आलं। आता मी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आणि ते सर्व बोंड कलेक्टर साहेबांना आता भेट दिले आणि त्यांना सांगितलं की शासनापर्यंत पोहोचवा, कारण की सोयाबीन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं। सोयाबीनची मदत अजून शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही। आता कापूस सुद्धा 100% संपलेला आहे। ही परिस्थिती मी सांगण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। ताबडतोब यांनी शासनाला सांगून याचे पंचनामे शेतकऱ्याला मदत ही तात्काळ करण्याची गरज आहे। नाहीतर असं कुठलंच वर्ष गेलं नाही ज्या वर्षी एक तरी पीक साध्य आहे, तर यावेळेला सोयाबीन पण गेलं आणि 100% कापूस सुद्धा गेलेला आहे। माझी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की ताबडतोब इकडे लक्ष द्या, पूर्ण जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षण करा, तातडीने शेतकऱ्यांना मदत करा। त्यांना शेतकरी 100% उपस्थित झालेला आहे आहे, नाही तर आम्हाला उग्र आंदोलन केल्याचा पर्याय राहणार नाही। NBC न्यूज के लिए हिंगनगाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।